डोसा उडुपी से ओरिजिन हुआ है, मतलब सबसे पहले उडुपी में बनाया गया था उसके रिसर्च। और कुछ लोगों का मानना है कि वो उससे भी पुराना है, 12th सेंचुरी से है। तो अलग अलग प्रमाण होते हैं हिस्ट्री में। डोसा बहुत तरह का बनाया जाता है, हर चीज़ का आप डोसा बना सकते हो। डोसा आप प्याज का, पनीर का, फेमस जो है वो यही है, प्याज का, पनीर का, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, रवा डोसा। तो आप इसको घर में भी बना सकते हो, ठीक है, घर में बना सकते हो। और घर के लिए आपको, देखो, एक तो होता है कि आप बैटर तैयार कर रहे हो, रात को बना के रख रहे हो, ये सब चीज़ें, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको 2 मिनट में डोसा बनाना है तो बैटर मिलता है बाहर से, लाओ घोलो उसको, थोड़ा देर पहले, आधा घंटा घोल के पहले रख सकते हो, इमिजिएटली भी बना सकते हो। डिपेंड करता है आपका जो बैटर है, जो आप डोसे का मटेरियल लेके आए हो वो कैसा है, ठीक है। किसी में होता है कि आपको उसे आधा घंटा पहले रखना पड़ेगा, किसी में होता है कि आप इमिजिएटली बना सकते हो। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज डोसा। इतना सारी कहानी सुना के हुआ क्या कल कि हम लोग ऐसे बैठे थे, सोचते रहे कि क्या ऐसा अच्छा बनाए, टेस्टी बनाए, जो 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 रोटी रोटी नहीं होती हमसे। अब चावल होने लगे थे, चावल का भी डेली हो गया, तो मैं कहा क्या बनाए। तो मुझे याद आया कि मेरे पास रखा है डोसा बैटर, और मैं बनाऊंगी आज डोसा और दाल, जो कि कुछ लोग उसको तुअर की दाल बोलते हैं, आई थिंक मैं उसे सांभर वाली दाल बोलती हूँ, जो कि सिमिलर सिमिलर सांभर का टेस्ट आता है। मैंने लिया है ये तूर की दाल भी बोलते हैं इसको, पीली दाल भी बोलते हैं, सांभर वाली दाल भी बोलते हैं। ये लिया है मैंने आधी कटोरी, एक प्याज, 4 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी अदरक और एक लाल मिर्च। तो ये मैंने दाल बनाने के लिए लिया है। आज कितना शुभ दिन है सीरियसली। पहले तो सबसे पहले आपको तीसरा नवरात्रा मुबारक, रमज़ान मुबारक, हैप्पी थर्ड नवरात्रा, ठीक है, वो मिक्स हो गया लैंग्वेज। रमज़ान सबको मुबारक हो। आज से आपकी इफ्तारी, सहरी, फास्ट सब अच्छे से, अल्लाह करे आपका रोज़ा अच्छा जाए, सबका, आपकी दुआएं कबूल हो, यही बोलते हैं ना। यही बोलते हैं क्या, दिल से यही बोल रहे हो, ठीक है। और सबको तीसरा नवरात्रा की शुभकामनाएं, आपके सारे नवरात्रे ऊपर वाला एक्सेप्ट करे। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दो लैंग्वेज अलग अलग, लेकिन कई लोगों को मैंने सुना बहुत सारी लैंग्वेज होती है, और साउथ इंडिया में ही 3-4 लैंग्वेजेस हैं भाई, तमिल, कन्नड़, मलयालम, सब वहीं पे ओरिजिन। तो मैंने आपको सामान दिखा दिया, अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल। लेकिन दाल बनाने से पहले ना उसको धोना ज़रूर एक बारी, कोई काम बिना धोए नहीं करना। अच्छा, आप लोग ना इस टाइप की डायरेक्ट खाने की चीज़ों को धोते होंगे और टैंकी वाले पानी में, राइट। कुछ लोग कोशिश करो उसको पीने वाले पानी से धो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इसका छिलका वगैरह तो कुछ उतारना नहीं है, आपको डायरेक्टली ये बनाना है, कुक करना है। तो टैंकी में काफ़ी टाइम का खाना वाना जमा रहता है, तो आप कोशिश क्या करो कि पीने वाले पानी से। टाइम कम होने की वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल रही हूँ, ठीक है। मतलब इसमें सूखा धनिया डालूंगी, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब एक साथ डाल के कुकर में, साथ में दाल डाल के। दाल में पानी कितना डलेगा, अगर आप आधी कटोरी दाल ले रहे हो तो हमेशा ना थर्ड डलता है, जैसे चावल में क्या होता है कि डबल डलता है, कि अगर आप 2 गिलास चावल ले रहे हो तो आप 4 गिलास पानी डालोगे, तो इसमें थ्राइस डलेगा। आप आधा ले रहे हो तो आप आधा आधा करके 3 डालोगे। तो डिपेंड करता है आपके पास, सिर्फ ये नहीं कि ये डिपेंड करता है कि आप दाल बना रहे हो तो दाल में डलेगा, खुला बर्तन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, आपके लिए पास कुकर है तो आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा, तो ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने इसमें पूरा मसाला जो काटा था वो डाल दिया, दाल डाल दी और साथ में लाल मिर्च डाल दी इसमें। मैं अब, मतलब ये है सूखी लाल मिर्च, अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब डालूंगी। आपको पता है साउथ इंडिया में कितने सिटीज़ हैं? यस यस यस, मुझे भी नहीं पता कितनी लैंग्वेजेस हैं। मेन लैंग्वेज तो यही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, और आई थिंक कुछ उर्दू भी है शायद, काफ़ी जगह पे उर्दू भी बोले जाते हैं, बट मेन लैंग्वेज नहीं है, उधर से नहीं है उर्दू तो। और साउथ इंडिया में जो मेन सिटीज़ माने जाते हैं, कोयम्बटूर, बैंगलोर, जो आई थिंक मैंने सुने हुए हैं, ये कह लो वो मेन है, अदरवाइज सभी सिटीज़ मीन है, चेन्नई हो गया,
चेन्नई पे तो चेन्नई एक्सप्रेस बनी हुई है, मूवी बनी हुई है ना। लेट्स नमक मिर्च तो डाल दी, सारे मसाले इसमें बातों में ही रह जाएंगे हमारे, बातें भी करते रहेंगे मसाले भी डालते रहेंगे नीचे उसमें। लाल मिर्च, लाल मिर्च मैं थोड़ी डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी सूखी लाल मिर्च डाल दी है। आपको पता है मैंने एक चीज़ नहीं डाली जो कि ऑयल, ऑयल मैं कभी भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा करती हूँ सरसों का तेल, अब मतलब अदरवाइज ऑलिव ऑयल मतलब तेल ही यूज़ मत करो, हाँ ही करती। तो ये मैं थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दूँ जस्ट कुछ अच्छी शक्ल और अच्छा सुगंध। इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है भाई, नीज के लिए, स्किन के लिए, पानी के, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं जो कि नहीं ली जाती। तो इसको मैं कलर के लिए आई थिंक मेरी दाल कम है और मैं एक ही जने के लिए बना रही हूँ तो एक थोड़ी सी बिल्कुल, जिसमें आपको पता है क्या हम लोग ना जब खाना बनाना कंटिन्यू हो जाता है तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो माएँ जो बहनें खाना बनाती हैं, जो फ्रेंड्स मेरे खाना बनाते हैं, कि आप ना हिसाब से नहीं बनाते, मतलब कितना हिसाब लग चुका होता है दो जने का, तीन जने का, चार जने का, ये हिसाब नहीं रहता। अब हम बनाते हैं शक्ल देख, इतना है इतना ठीक है चल जाएगा। जैसे आप नमक डालने लगी हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि मुझे नमक, नमक में भी एक सीन है भाई, आप कौन सा नमक यूज़ कर रहे हो ये भी मायने रखता है। जैसे ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक कई सेंधा नमक अगर आपने देखा होगा, ज़्यादा डालो तो पता नहीं लगता, तब भी पता नहीं लगता। मतलब टाटा नमक क्या है या ये वाले जो आयोडाइज नमक होते हैं, इसमें क्या है कि आपको ना थोड़ा भी डालोगे आपको पता लगेगा कि हाँ नमक डाला है। तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा ही डालेंगे और उसको भी बाद में टेस्ट करके डालेंगे। तो अभी मैंने ये नमक मिर्च वगैरह सब डाल दिया, ऑयल डालना है डालो, दाल में ऑयल वेट तुम्हारी मर्जी है। थोड़ा सा सरसों का तेल फिर भी डाल दी मेरी दाल चिपके ना, ज़्यादा नहीं डालूंगी नहीं तो क्योंकि कम जाने ना थोड़ा तेल तेल टेस्ट आएगा। अब ढक्कन भैया मिक्स करके ढक्कन लगा देते हैं। पानी इसमें मैंने अभी सिर्फ आधा कटोरी डाला है, तो मैं अपने जो हिसाब मैंने आपको बताया उसके हिसाब से और डाल दी, तो पीने का पानी डालूंगी मैं इसमें, ठीक है। डेढ़ कटोरी में डाल रही हूँ, डेढ़ कटोरी से थोड़ा कम क्योंकि मुझे गाढ़ी दाल अच्छी लगती है और कई लोगों को एक्चुअली में गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। तो मैंने टोटल जो डाला है वो एक कटोरी डाल रही, ठीक है हाँ। और दाल मैंने डाली थी आधी कटोरी। अब मैं इसमें विसल दूंगी, आई थिंक तीन चार तो मैं सब चीज़ों को दे ही देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पका लिया बहम का कोई इलाज नहीं होता ना, तो तीन चार विसल्स तो दे ही दूंगी। अच्छा ये बताओ कि पर्ल सिटी ऑफ इंडिया किसको माना जाता है, बताओ बताओ, मैं तब तक बैटर निकाल लेती हूँ, तुम लोग सोचो। नहीं बता दूँ, नहीं बता दूँ, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया माना जाता है हैदराबाद को, और सिलिकॉन किसको माना जाता है, दिस इज़ वेरी इजी, इतना तो पता ही होगा, सिलिकॉन माना जाता है बैंगलोर को। वैसे कभी कभार मेरे माइंड में आता है कि भाई वाई सिलिकॉन, सिलिकॉन सिटी क्यों, समझ रहे हो समझ रहे हो, तो अगर किसी को सिलिकॉन की ज़रूरत है समझ रहे हो किस लिए, तो बैंगलोर जाए, ऐसा कुछ है वहाँ पे सस्ता मिलेगा। खैर मजाक साइड पे रखकर हम कर रहे हैं, बैटर लिया है मैंने अम्मा जी का मटेरियल, मैं निकाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, मुझे बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, स्टार्टिंग का बहुत बेकार बनता है, उसके बाद पर जब तवा आपका समझ जाता है कि भैया अब मेरे ऊपर डोसे बनने वाले हैं, तो अब मैं शराफत से पेश आऊँ तो वो बनना शुरू कर देता है। तो मैंने इसमें अपने हिसाब से डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी क्योंकि अगर एकदम से ज़्यादा डालूंगी और उसमें फिर नमक मिर्च वगैरह सब डालूंगी तो वो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लेकिन मैं पानी भी डालूंगी, सब में नमक मिर्च डालूंगी तो वो रीयूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैं
डोसा बेटर, मैं थोड़ा सा और करीब से दिखा देती हूँ। ये है फ्रंट कैम से, वैसे भी कैसा आता रहता है ना। ये है आपका डोसा बैटर, इसमें मैंने थोड़ा सा मिलाया पानी। अभी मैं इसमें नमक मिर्च मसाला मिला दूँगी ताकि वो अजीब सा टेस्ट ना आने लगे, तो थोड़ा तो नमक मिलाना पड़ेगा। बंद कर दिया मैंने फोर्थ विसल के साथ साथ ही। अब मैं रखूँगी तवा जिससे मैं बनाऊँगी डोसा। डोसा 2 मिनट्स डोसा, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। बैंगलोर का मुझे ऐसा लगता है, मतलब नॉट बैंगलोर, साउथ इंडिया का फेवरेट डिश पोर्क है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन वहाँ पर चिकन मटन फिश तीनों चीज़ें बहुत शौक से खाई जाती है और पोर्क भी खाए जाते हैं। वहाँ का एक त्यौहार मुझे याद है जहाँ जिसमें पोर्क का आई थिंक स्पेशली पोर्क बनाया जाता है, और पोर्क माना जाता है कि सबसे ज़्यादा हैवी होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है, ऐसा माना जाता है, बाकी मुझे नहीं पता। सो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग रिलीजन्स के अपने अपने मायने हैं। बाय द वे मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानती, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई लव एवरीवन, क्या करें, दो पल में ही प्यार हो जाता है कोई भी हो जाए। तो मैंने तवा गर्म कर लेते हैं, इसमें आप तेल ज़्यादा नहीं डालोगे क्योंकि आपको इसमें सिर्फ तेल, एक तो अगर आप रिफाइंड डाल रहे हो या सरसों का तेल डाल रहे हो या ऑलिव ऑयल डाल रहे हो, जस्ट ये चीज़ ध्यान रखना कि आप सिर्फ उसी उसी जगह पे नहीं डालोगे, आप थोड़ा सा तेल को पूरे तवे पे फैलाओगे ताकि जब आप डोसा बना रहे हो तो वो अगर फैल रहा है या आपका बड़ा डोसा है और आपको उसे फैलाना है तो वो पूरे तवे पे कवर हो। तो दिखाते मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे पूरे पे कवर रखना, ठीक है। ठीक है, शक्ल देखिए इंडिया गेट बन गया। ये बना पहला उडुपी का डोसा।